वैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंदर राव की अध्यक्षता में NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ SDM वैजनाथ के माध्यम से राज्यपाल को मेमोरेंडम भेजा। इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए रिक्शाएं रद्द करवाने की मांग की गई। रविंदर राव ने कहा कि प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण बहुत धीमी गति से चल रहा है। सरकार ने 1 जुलाई से UG के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। बिना टीकाकरण के अधिक संख्या में विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्रों में पहुंचने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सरकार के इस फैसले का हम खड़े शब्दों में विरोध करते हैं। कोरोना काल में परीक्षा करवाने का फैसला गलत है। पहाड़ी राज्य होने के कारण कई गांव और कस्बे ऐसे हैं जहां नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन पढ़ाई में भी विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। इस विपरीत परिस्थितियों और कोरोना महामारी के बीच पिछले साल की तरह इस साल भी विद्यार्थियों को अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जाए। राव ने कहा कि छात्र छात्राओं की पिछले वर्ष की असेसमेंट रुकी हुई है, वहीं दूसरी ओर अभी छात्र छात्राओं का अध्ययन अधूरा है। PLTV के लिए वैजनाथ से विजय की रिपोर्ट। Audio Jungle.